एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो रोज़ाना आप मेरे साथ होते हैं शाम 4 बजे से मगरिब की आज़ान की दुआ तक, और बहुत खूबसूरत मेरे तो रोज़े बहुत अच्छे गुजरे। इतने प्यारे प्यारे मेरे भाई आए जिन्होंने नातें सुनाई, और बहुत सारे उलमा आए और उन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। मेरी प्यारी प्यारी बहनें आईं, उन्होंने नातें सुनाई, और ये महफिल इन्हीं की दुआओं से सज गई। और आप लोग जो वहाँ पे बैठ के इतनी दुआएं देते हैं, और कुछ लोग कॉल्स के ऊपर मुझे नाते सुनाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। और कश्मीर से भी मेरी प्यारी बहन थी, उन्होंने नात सुनाई, बावलपुर से, गुजरांवाला से, बहुत जगहों से, कराची से आप लोगों ने मुझे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन यकीन करें मैंने आप लोगों की आवाज़ में वो मोहब्बत देखी है जो वाकई में एक इंसानियत और एक पाकिस्तानी होने का आप लोगों ने वाकई में हक अदा कर दिया। और मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों को जो इसी तरह आप लोग अपने आवाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते रहें और पढ़ते रहें, और कोशिश ये कि अगर आपसे मुलाकात हो तो मैं ज़रूर अपनी ट्रांसमिशन में आप लोगों को बुलाऊँ। और दुआ कीजिएगा अगले साल मैं जिन लोग मुझसे ज़रा रबते में आ जाए तो उन अगली ट्रांसमिशन में मैं उन लोगों को भी ज्वाइन करूँगी जो आउट ऑफ सिटी में रहते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इबादत रमज़ान में वो तशरीफ़ लाएँ। आगे बात करती हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को अगर आप अभी नहीं देख पाते तो आप YouTube पर भी देख लेंगे, लाइव स्ट्रीम पर भी, और सुबह मेरा क्योंकि मॉर्निंग शो नहीं हो रहा तो ये प्रोग्राम उस टाइम पे 10 से 12 रिपीट हो जाता है, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, आज मेरा एक और बड़ा प्यारा भाई मौजूद है यहाँ पर, बड़ी अच्छी नात सुनाते हैं। थोड़ी सी मन से गुफ्तगू करूँगी और फिर हम उनसे नात सुनेंगे। यहाँ पर हुसैन साजिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साजिद? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाई? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, बड़ी अब सुने नाते वाते सुना रहे हैं सब जगह पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं। दुआएं लोगों की। ये पाँव की तकलीफ आपको पैदाइशी थी? जी। कभी इसकी वजह से रुकावट तो नहीं हुई? नहीं नहीं। खुश हो? मैं खुश हूँ। खुश हैं? आप इन लोगों को बताएं ना, जिन लोगों को अल्लाह कुछ चीज़ एक नहीं देता तो इतनी तकलीफ, इनको ना शुक्री करते हैं, क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए? जो मिले उस पर शुक्र अदा करें। अरे अल्लाह, जो मिले उन उस पर शुक्र। कितनी उम्र है मेरे भाई आपकी? 26 साल इनकी उम्र है, और पैदाइशी इनकी दोनों टांगे जो है वो प्रॉब्लम है इनकी, छोटी सी हैं जैसे बोलते हैं। और लेकिन मैं देख रही थी खुशी खुशी आए हैं, और यही वो चीज़ें जो हमें सिखाती हैं। अब मेरा रब अगर मुझे एक हाथ ना देता तो मैं क्या कर सकती थी? लेकिन आप लोग ना सीखना नहीं चाहते, शुक्र करना सीख लें। जिस दिन शुक्र करना, अल्लाह पाक जितना कहते शुक्र को अल्लाह उतनी नेमतों से नवाजता है। आज मेरा भाई टीवी ट्रांसमिशन में आया, ये इज़्ज़त ही नहीं तो क्या है? और फिर नबी का जिक्र करना, ये इज़्ज़त नहीं तो क्या है? कलाम पढ़ना, ये इज़्ज़त नहीं तो क्या है? ये सबसे बड़ी इज़्ज़त और एहसास की बात होती है। जी हुसैन साजिद, वैसे काम क्या करते हैं? मैं स्कूल में जो अरे वाह भैया। चलिए जी, मेरी अब आपने कहा एक पसंदीदा मेरी ना, तो वो सुना दी, कलाम सुनाइए जी। बड़े प्यार से सब पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि हुसैन साजिद। शामिल होता
नुसरत में लहू में अमाया जाता ख्वाहिश है खाक हो जाया मैं सुल्तान इन कदमों के तले अल खाक हो जाया मैं सुल्तान इन ओ खाके मदीना में मनाया और वे अल्लाह बदल गए तम राह मोहम्मद में बिछाया ताश में होता ऐसी इसको सरकार के मिंबर में लगाया जिसको सरकार के मिंबर में मिलाया आप इस होता उस दौर का काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। हुसैन साजिद महेंद्र में मौजूद है, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमजान के साथ।